एक स्टडी में पाया गया कि 76% महिलाएं जिनको की पीसीओडी है वो एलर्जिक है किसी एक चीज के प्रति, वो कोई भी हो सकती है। ऐसे ही एलर्जी एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है इनफर्टिलिटी इश्यूज का। तो किस तरीके से एलर्जीज इनफर्टिलिटी क्रिएट करती हैं और इसका तरीका क्या है कि हम अपने डाइट पैटर्न को कैसे चेंज करके एलर्जी से बच सकते हैं। आज के टाइम में हम क्लाइमेट चेंज के दौर से गुजर रहे हैं और इस क्लाइमेट चेंज का असर है कि इंसान में एलर्जी की समस्या बढ़ रही है। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब सहेली चैनल। यहाँ पर हम उस साइंटिफिक नॉलेज की बात करते हैं जो कि आपके प्रजनन क्षमता, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड है, डाइट, फंक्शनल फूड और पीछे छुपा हुआ साइंस हम आपसे डिस्कस करते हैं। आशा करते हैं कि आप यूट्यूब सहेली चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। हर दिन एक न्यू इन्फॉर्मेशन हम आप तक लेकर आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि यदि मेल फीमेल हस्बैंड वाइफ कपल में से दोनों को या एक को एलर्जी है, ऐसे में ये आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे नुकसान पहुंचा रहा है और अगर आप इससे पीड़ित हो तब आपके लिए तरीका क्या होगा, किस तरीके से आपको अपनी एलर्जी को खुद से कंट्रोल करना है। क्योंकि एंटीहिस्टामिन लेते रहना, एलर्जी की दवाएं लेते रहना आपके बेबी प्लानिंग के लिए मुश्किल हो सकता है। एलर्जी है क्या? एलर्जी हमारे शरीर की एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि बॉडी किन्हीं चीजों को एनिमी मान के लड़ने लग जाता है, जैसे कि हार्मफुल बैक्टीरिया, हार्मफुल चीजों से हमारे बॉडी की इम्यूनिटी हमारी रक्षा करती है, लेकिन एलर्जी की कंडीशन में आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है गुड एंड बैड को, इंटरनल और आउटर फैक्टर को बॉडी, और बॉडी उससे फाइट करने लगती है और ऐसे में हिस्टामिन प्रोड्यूस होते हैं, शरीर पे इन्फ्लेमेशन रहता है। ये जो इन्फ्लेमेशन है ये ओवुलेशन डिस्टर्ब कर देता है, ये आपके हार्मोनल इम्बैलेंस का रूट कॉज होता है, क्योंकि एलर्जी के दौरान बॉडी में जो केमिकल्स बनते हैं वो आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस करते हैं और साथ ही आपके ब्लड प्रेशर को भी काफी फ्लक्चुएट करते हैं। इन्फ्लेमेशन रहने से स्पर्म की क्वालिटी खराब होती है, स्पर्म की जो डक्ट है उसमें इन्फ्लेमेशन होने से स्पर्म सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती, ओवरीज ठीक से फंक्शन नहीं करती, एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी घट जाती है और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव जो भी टेक्निक्स हैं आईवीएफ वगैरह में उसकी सक्सेस रेट भी कम हो जाती है। तो ऐसे में एलर्जी को कंट्रोल करना डाइट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप हर चीज के लिए दवा नहीं खा सकते हो। और बहुत ज्यादा सक्सेस है एलर्जी के लिए एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीहिस्टामिन डाइट, जो कि आज मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आपकी फैमिली में भी किसी को भी एलर्जी है तो ये वीडियो जरूर शेयर करें कि बहुत ज्यादा लोगों को एलर्जी देखने को मिल रही, छोटे छोटे बच्चों में है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में महिलाओं को इस फेस करना पड़े और बुजुर्गों को भी। तो ऐसे में अगर सीजन चेंज होने पे आपको छींक आना, साइनस की प्रॉब्लम होना, फूड इंटॉलरेंस होना, ये सारी प्रॉब्लम आती है और नाक से आंख से पानी आता है, आप लेटते हो तो पीएनडी की प्रॉब्लम होती है, तो ऐसी कंडीशन में ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल हो सकता है। सो एक्सटेंड अ हेल्पिंग हैंड। फ्रेंड्स, स्टडीज में पाया गया कि कुछ फूड ऐसे हैं जो एलर्जी की कंडीशन में जो इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन यानी सूजन, और जो इन्फ्लेमेशन होता है वो एक ओपन इन्विटेशन होता है बहुत सारी क्रॉनिक डिजीजेस का। तो एलर्जी में हमको अपने इन्फ्लेमेशन को कम करना है। इन्फ्लेमेशन कब कम होगा? कुछ फूड ऐसे होते हैं जो इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं और कुछ फूड ऐसे होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम करते हैं। तो यही डूज एंड डोंट्स हम आपको समझाएंगे कि क्या फूड आपको अवॉइड करने हैं एंड कौन से फूड हैं जो आपको प्रेफर करना है, जो डेली यूज करना है अपने डाइट में, जिससे कि इन्फ्लेमेशन कम हो और एलर्जी के सिम्टम्स जो बहुत सीवियरिटी रहती है वो कम हो जाए। एंड बेबी प्लानिंग में भी इससे आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस कम होगा। मेनली हम हिस्टामिन प्रोड्यूस करने वाले फूड नहीं खाएंगे जिससे एलर्जिक रिएक्शंस बढ़ती हैं, तो इससे बॉडी धीरे धीरे नॉर्मल होगी। प्रिवेंटिव मेथड्स बहुत ज्यादा यूजफुल हैं कि सपोज किसी पर्टिकुलर चीज से, पॉलन से या किसी चीज से एलर्जी है तो आप मास्क यूज करें, उस चीज से संपर्क से दूर रहें, कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ऐसा है या कोई फूड आइटम ऐसा जिससे आप एलर्जिक हैं तो सिंपली उसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन कई बार सीजन में जो चेंजेस होते हैं उसका इम्पैक्ट आता है बॉडी, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि हम हमारे चारों तरफ का जो वेदर है, जो मौसम है, उसको नहीं बदल सकते। ऐसे में बॉडी को राहत देने के लिए एंटी इंफ्लेमेटरी फूड खाएंगे तो एलर्जी के लक्षण कम होंगे और हम काफी स्टेबल रह पाएंगे। सो लेट्स सी डूज कि हमको क्या खाना है अगर एलर्जी बार बार आपको होती है। तो एंटी एलर्जिक फूड वो है जो सूजन को कम करते हैं, कंजेशन को कम करते हैं, थोड़े वार्मिंग फूड होते हैं जैसे कि दालचीनी, अदरक, हल्दी, लौंग,
अजवाइन, ये कुछ स्पाइसेस हैं जो कि एंटी हिस्टामिन है और एंटी इंफ्लेमेटरी है, एलर्जी के सिम्टम्स को कम करने में आपकी हेल्प करेगी। तो इनको चाय में, दाल में, सब्जी में, अलग अलग तरीकों से इनको आप ले सकते हैं, सूप में ऐड कर सकते हैं। कुछ सब्जियां जैसे कि ब्रोकली है, बीन्स है, बेल पेपर, अलग अलग कलर के जो बेल पेपर्स आते हैं, कैरेट, कैरेट बहुत ज्यादा यूजफुल है। कैरेट को आप सूप में, सैंडविच में, जूस में, हर तरीके से यूज करें। कैरेट बहुत ज्यादा यूजफुल होता है एलर्जी की कंडीशन में। पाइनएप्पल खाना या पाइनएप्पल की स्मूदी या जूस लेना, धनिया का इस्तेमाल करना, अनियन, गार्लिक, एप्पल, कई तरह की बेरीज, ऑलिव ऑयल, ग्रेप्स और विटामिन सी युक्त इन सभी चीजों में, मोस्ट ऑफ में विटामिन सी बहुत ज्यादा है, जैसे बेल पेपर्स में, फ्रूट्स में, पाइनएप्पल जूसेस में। तो एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा लेंगे तो ये हिस्टामिन प्रोडक्शन को भी कम करेंगे एंड साथ ही इन्फ्लेमेशन को कम करने में भी काफी हेल्प करेंगे। आप ग्लूटेन को अवॉइड करें, जैसे कि आपके गेहूं में ग्लूटेन है, जौ में ग्लूटेन है, राई में ग्लूटेन है, इन चीजों को आप अवॉइड कर सकते हैं। आप चावल एंड मिलेट्स को यूज कर सकते हैं। कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स के बारे में भी आपको बताऊंगी जो एलर्जी में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये जान लेंगे कि इन चीजों को अवॉइड करने कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत अच्छी है फर्टिलिटी के लिए। और ये बहुत बड़ा सरप्राइज है कि जो फर्टिलिटी के लिए बेनिफिशियल चीजें हैं उनमें से कुछ एलर्जी ट्रिगर करती हैं, हिस्टामिन प्रोडक्शन बढ़ाती हैं, हाई हिस्टामिन फूड होती हैं, लाइक टोमेटो जो कि लाइकोपिन रिच होता है। कुक्ड टोमेटो हमेशा खाने को कहते हैं, डॉक्टर कहते होंगे, हम भी आपको सजेस्ट करते हैं डाइट में, लेकिन आपको टोमेटो नहीं खाना है अगर आपको एलर्जी है सीजनल या एलर्जी की फेज से आप पास आउट हो रहे हो। पालक आपको अवॉइड करना है क्योंकि ये भी हाई हिस्टामिन फूड होता है। बैंगन, ब्रिंजल, ग्रीन पीस, मटर, मिल्क के प्रोडक्ट्स वो भी एलर्जी की कंडीशन में सही नहीं होते। पीनट्स, मूंगफली, कैश्यूज आपको अवॉइड करने चाहिए, इन चीजों को स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए। तो अब बात आती है कुछ हर्ब्स की जो एलर्जी को भी कंट्रोल करती है, फर्टिलिटी को भी बूस्ट करती है। तो उसमें सबसे नंबर वन पर है आंवला। आंवला भी यूज कर सकते हैं, आंवले का जूस, आंवले की चटनी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा त्रिफला ले सकते हैं आप, अश्वगंधा ले सकते हैं आप, शिलाजीत ले सकते हैं, गोक्षरू ले सकते हैं। ये कुछ हर्ब्स बहुत अच्छी है। आपकी बॉडी ऐसी है, सपोज किसी को नेचुरल चीजों से एलर्जी हो, देन आप वो पर्टिकुलर चीज अवॉइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।